Today in fluid mechanics and open channel hydraulics, we are going to study about orifices and mouthpieces. Previously, we have studied about hydrostatics, hydrokinematics and hydrodynamics. In hydrodynamics, we have gone through Bernoulli's equation and application of Bernoulli's equation. We have found equation to measure the discharge through venturimeter and orifice meter. Now we are moving towards the orifice and mouthpieces. So what is orifice? Orifice is just a small opening of any cross section. It is at either its side or the bottom of the trunk through which a liquid is flowing. ठीक है? एक छोटा सा छेद बनाया जाता है. Orifice क्या है? एक छोटा सा छेद बनाया जाता है side of the tank या तो bottom of the tank के ऊपर, जिससे fluid बाहर flow करता है और वो fluid को हम लोग क्या करते हैं? Measure कर लेते हैं. ठीक है? पर्टिकुलर लिक्विड को हम लोग मेजर कर लेते हैं. अब ओरिफिस क्लासिफाई हम लोग कैसे करेंगे? तो क्लासिफाई चार टाइप्स होता है, फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर टाइप्स, साइज ऑफ ओरिफिस एंड द हेड ऑफ लिक्विड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ एज ऑफ ओरिफिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है? फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस ऑन द बेस ऑफ साइज और हेड ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ लिक्विड. So here on the side we can see the figure. Here this is orifice hole diameter, which is also called as depth of orifice. From the center of the orifice depth or orifice diameter to the edge of the liquid, it's a head. Okay, so head of liquid from the center of orifice, if it is greater than 5 times the depth of orifice, then it is said as small orifice. What? अगर head आपका ज़्यादा है 5 times depth of orifice से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Small orifice. And if the head of liquid is less than 5 times the depth of orifice, it is known as large orifice. अगर हमारा जो head है liquid का from the center of orifice से लेके farthest end of the liquid, वहाँ से लेकर अगर आपका head more than 5 times the depth of orifice है, तो वो आपका हुआ small orifice. और अगर आपका ज़्यादा है 5 times the depth of orifice से, तो वो आपका हुआ small orifice. and अगर आपका head of liquid कम है 5 times the depth of orifice से, तो वो आपका होगा large orifice. ठीक है? अब next आपका classification है on the basis of cross section area. तो यहाँ पर side पे figure है जिसके अंदर आपको cross section दिया हुआ है, जो आपका जिसके बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्कुलर होल किया गया है. ठीक है? तो सर्कुलर ओरिफिस हुआ. यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर होल किया गया है, तो वो आपका हुआ रेक्टेंगुलर ओरिफिस. अगर ट्राइंगल शेप में करने में आता, तो वो आपका होगा ट्राइंगुलर ओरिफिस. अगर रेक्टेंगल शेप में करने में आता, तो वो आपका होता रेक्टेंगुलर ओरिफिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द ओरिफिस. ठीक है? तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो राउंडेड शेप है एंड शार्प एज है. ठीक है? नाउ राउंडेड शेप इज नथिंग बट बेल माउथ ओरिफिस. ओके, नाउ व्हाई इट्स कॉल्ड बेल माउथ ओरिफिस? तो यहाँ पर जो भी आपका फ्लूइड फ्लो करेगा कंटेनर के अंदर से, तो वो कैसे शेप में होगा? वो बेल शेप फॉर्म करेगा. ठीक है? यहाँ से जो भी आपका लिक्विड फ्लो करेगा, वो आपका कैसा होगा? बेल शेप के अंदर से वो बाहर निकलेगा. ठीक है? तो इट्स कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेल माउथ ओरिफिस. एंड शार्प एज में कैसा होगा? यहाँ पर आपका शार्प एज है, तो आपका जो भी वाटर फ्लो करेगा वो कैसे एकदम शूट करेगा बाहर, तो वो आपका क्या है? शार्प एज ओरिफिस. नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्चार्ज. तो उसके बेसिस पर से क्लासिफिकेशन आपका है फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस एंड नेक्स्ट इज सबमर्ज ओरिफिस. इन फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस आपका जो नॉर्मल वे में है कि आपका टैंक होगा, वो उसके अंदर एक छोटा सा ओरिफिस क्रिएट किया गया होगा और साइड में कोई दूसरा वेसल नहीं होगा, वो वैसे ही वाटर आपका बाहर फ्लो करेगा. ठीक है? तो वो आपका होगा फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस. नेक्स्ट क्या है आपका? सबमर्ज ओरिफिस. सबमर्ज ओरिफिस में क्या होगा कि आपका साइड के अंदर दूसरा कंटेनर भी होगा, दूसरा वेसल भी होगा, जिसके अंदर आपका फ्लूइड फ्लो फ्लूइड कंटेन होगा. ठीक है? तो उसके अंदर जो साइड में आपका टैंक है जिसके अंदर आपने ओरिफिस क्रिएट किया गया है,
वो आपका क्या होगा कि वो ऑलरेडी या तो सबमर्ज होगा, अगर बाजू वाला जो टैंक है, नेक्स्ट टैंक है, वो अगर आपका फिल है तो वो पूरा फिल है तो वो आपका क्या होगा, सबमर्ज होगा। अगर नहीं होगा, यहाँ तक ही आपका वाटर फिलअप है, तो आपका पार्शियली सबमर्ज होगा। ठीक है, तो या तो फुल्ली सबमर्ज हो सकता है या तो पार्शियली सबमर्ज हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसके अंदर वो है वेना कॉन्ट्रैक्टर। वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि जब आपका टैंक से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, ये आपका टैंक की वॉल है, ये आपका ओरिफिस है, और यहाँ से आपका जो वाटर आपका बाहर निकलता है, फ्लूइड बाहर फ्लो करता है, तो वो एक सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आके वो एकदम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अटेन कर लेता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अटेन कर लेता है। तो वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग उसको, कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पर होता है, डी बाई टू, ये डायमीटर ऑफ ओरिफिस होगा या तो डेप्थ ऑफ ओरिफिस, उसके डी बाई टू डिस्टेंस के ऊपर से हम लोग को वेना कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज आपका हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स आर देयर। फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी इज बेस्ड अपॉन जेट इट वेना कॉन्ट्रैक्टर। जब वो वेना कॉन्ट्रैक्टर के आगे से वाटर फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो आपका एक्चुअल वेलोसिटी होगी, और उसका डिवाइड आप करोगे, रेशियो है थियोरेटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी देगा, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी वेराइज करती है, 0.95 टू 0.99। ओके, नेक्स्ट इज आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया अपॉन थियोरेटिकल एरिया। ओके, व्हाट इज एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया इज एरिया ऑफ जेट इट वेना कॉन्ट्रैक्टर। जो आपका जेट यहाँ पर, ये आपका जेट जो बाहर निकल रहा है, यहाँ पर जो वेना कॉन्ट्रैक्टर फ्लो कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन का एरिया कितना है वो हम लोग को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो आपका ए एक्चुअल होगा, और नेक्स्ट इज ए थियोरेटिकल। ए थियोरेटिकल आपके पास फॉर्मूला है, पाई बाय 4 इनटू डिस्क है, तो वो आपका होता है ए थियोरेटिकल। तो उसके बेसिस पर से आपको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी वेराइज करती है, 0.61 टू 0.69। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, एंड अगर आप आगे प्रूव करो तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी वेराइज करती है, फ्रॉम 0.61 टू 0.65। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माउथ पीसेस। नाउ व्हाट इज माउथ पीस, जैसे हम लोग ने देखा कि टैंक के बीच में आप अगर होल करते हो, वो होल हम लोग उसको कहते हैं ओरिफिस। तो माउथ पीस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, या तो एक्सटर्नली वो जो होल क्रिएट किया है वहाँ पर एक्सटर्नली, या इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। ठीक है, छोटा सा पाइप, 2 या 3 times डायमीटर जो हम लोग ने लिया है उसका लगा देते हैं, तो वो हम लोग क्या कहते हैं उसको, माउथ पीस। ओके, तो माउथ पीस इज नथिंग बट शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप विच इज 2 or 3 times इज डायमीटर इन लेंथ फिटेड इन टैंक और वेसल कंटेनिंग द फ्लूइड। और उसके अंदर से हम लोग सेम ओरिफिस में जैसे करते हैं कि मेजर करते हैं हम लोग रेट ऑफ फ्लो, तो इसके अंदर भी सेम रेट ऑफ फ्लो मेजर करने में सेम मेजर ही करता है। ओके, नाउ अगेन जस्ट लाइक ओरिफिस classification, here also we can say the classification of mouthpiece. Now depending upon the position with respect to tank, external mouthpiece or internal mouthpiece. External mouthpiece yani jo tank hai uske externally fitted kiya hoga, internally mouthpiece aapke andar ki side aapka fitted hoga. Theek hai, to internally mouthpiece hoga. Next is depending upon the shape they are classified cylindrical mouthpiece, convergent mouthpiece and convergent divergent mouthpiece. Theek hai, now
conversion to mouthpiece, here you can see this. This type is called conversion to mouthpiece. ठीक है, जो आपका जो आपका फ्लूइड अंदर आ रहा है उसको क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, कन्वर्जन माउथपीस. ठीक है, और उसी तरीके से डाइवर्जन माउथपीस, आपका जो फ्लूइड होगा उसको वो डाइवर्ट करेगा, तो वो आपका होगा डाइवर्जन माउथपीस. नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ माउथपीस, दे आर क्लासिफाइड एज माउथ रनिंग फुल एंड माउथ रनिंग माउथपीस रनिंग फ्री. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माउथपीस रनिंग फुल? If this mouthpiece fluid is touching the wall of the mouthpiece, तो अगर आपका जो fluid है वो fully ये दोनों side को आपका touch करता है तो वो आपका क्या होता है, running full. Okay, and what do you mean by running free? तो liquid जो है contract होने के बाद, यहाँ पर वो contract होगा उसके बाद वो साइड की बॉल्स को टच नहीं कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, रनिंग फ्री. रनिंग फुल क्या होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फुल्ली दोनों साइड पर वो टच कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, रनिंग फुल. एंड रनिंग फ्री के अंदर क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो बिल्कुल भी साइड की बॉल्स के ऊपर टच नहीं कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, माउथपीस रनिंग फ्री. ओके, सो दिस वेयर रिलेटेड to orifice and mouthpiece. In next video I will show the numerical based on these two topics. In numericals we actually have to find the coefficient of discharge, coefficient of velocity and coefficient of contraction. Okay, thank you.